हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। दिस इज नौशीन शफीक इनेबलर्स केपी की रिप्रेजेंटेटिव। एंड आज हम जब लूडो खेल रहे थे रोजे में, तो हम साथ में ई कॉर्ड की डिस्कशन कर रहे थे, बिकॉज वी आर हैविंग टू ट्रेनर्स विद अस जो कि ई कॉर्ड की ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करेंगे। तो हमने ये सोचा कि थोड़ी सी जो कि केपी के लोग हैं या पाकिस्तान के किसी भी रीजन के हैं, लेकिन स्पेसिफिकली केपी के लोग जिनको अभी तक ई कॉर्ड की ट्रेनिंग्स जो कि स्टार्ट होने जा रही है इंशाल्लाह आफ्टर रमजान, उनके बारे में अगर नहीं पता तो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देते हैं। सो साकिब अवान जो कि यहाँ पर लीड कंसल्टेंट हैं, तो चूंकि ट्रेनिंग्स को वो देखते हैं, तो हम उनसे पूछते हैं कि बेसिकली बेसिकली ई कॉर्ड है क्या। सो साकिब प्लीज बताएं देखिए, ई एक कॉर्ड क्या है। और बेसिकली जो है ना, इनेबलर्स कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी है, ठीक है। और इनेबलर्स कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी का जो मेन मिशन है वो ये है कि हम लोग जो है वो स्किल बेस्ड प्लेटफॉर्म की तरफ जाएं। जिस तरह डिफरेंट कॉलेजेस में थ्योरी होती है, प्रैक्टिकल नहीं होता, ठीक है। सो हम लोग इंडस्ट्री और एकेडेमिया का गैप जो है ना उसको फिल आउट कर रहे हैं, उसको लिंक कर रहे हैं। तो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन अदर कॉलेजेस एंड इनेबलर्स कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी। अच्छा, तो इसमें बेसिकली कौन कौन सी स्किल्स दी जाएंगी अभी स्टार्ट में? बेसिकली इन पिशावर कैंपस देर आर मल्टीपल स्किल्स जो कि सर्टिफिकेशन जो है वो हम ऑफर कर रहे हैं, जो कि डिजिटल मार्केटिंग हो गया, एडवांस ग्राफिक डिजाइनिंग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, फ्रीलांसिंग एक्सपर्ट ट्रेनिंग है, एमएस ऑफिस की ट्रेनिंग है जिसमें आप एक्सेल, वर्ड, इन सब के फार्मूलाज, पावर पॉइंट पे प्रेजेंटेशन, ठीक है। फिर बेसिक आईटी स्किल्स है कि एक बंदा है जो कि बिल्कुल न्यू भी है और वो कहता है कि भाई मुझे जो है वो कोई भी कंप्यूटर रिलेटेड वर्क नहीं आता, तो उसको बेसिक आईटी स्किल्स में जाना चाहिए, ठीक है। इसी तरह शॉपिफाई है, वीडियो एडिटिंग है, फाइवर के अलग ट्रेनिंग है। तो डिफरेंट इस तरह की सर्टिफिकेशन है जो कि आजकल जो है वो काफी बूमिंग पे अच्छा, है। इनका बहुत ज्यादा स्कोप है। लाइक डिजिटल हाँ जी, मार्केटिंग अगर कोई सीख लेता है, ग्राफिक डिजाइनिंग सीख लेता है, आप यूट्यूब की वीडियोस बनाते हो, एडिटिंग वीडियो एडिटिंग सीख लेता है, तो उसका बहुत ज्यादा स्कोप है डिफरेंट। अच्छा, हमारे साथ आज दो ट्रेनर्स भी हैं, तो उनका भी इंटरव्यू करते चलते हैं और फिर आप इनको अक्सर देखते रहा करेंगे। सबसे पहले है नसीमा हमारे साथ। नसीमा जो है वो फ्रीलैंसिंग की ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करेंगी। नसीमा, आप मुझे ये बताएं, थोड़ा सा अपना इंट्रो करवाएं और साथ में ये बताएं कि भाई आपने इसमें कौन कौन सी चीजें कवर करेंगी आप इन कोर्सेज में, और क्या ऐसा सिखाएंगी कि भाई उनको आना चाहिए। दिस इज मी नसीमा, और बेसिकली मैं बिलोंग करती हूँ लकी मरवत से, और मैं जो है यहाँ पे ई कोर्ट के लिए जो है एज ए ट्रेनर, फ्रीलांस ट्रेनर सेलेक्ट हुई हूँ। तो मेरे जो कोर्सेज जो है वो अच्छा, बेसिकली पहले मैं ये बता दूं कि फ्रीलांसिंग जो है वो होती मतलब क्या है, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों को जो है वो फर्क नहीं कर पाते कि हम जो है वो फ्रीलांसिंग और वो जो हम कोई स्किल सीख रहे हैं। मेरे पास ज्यादातर क्यूरीज ये आते हैं कि फ्रीलांसिंग रिलेटेड है टू अमेजोन या इस रिलेटेड टू ये है किसी स्पेसिफिक स्किल के थ्रू। फ्रीलांसिंग जो है हमारे पास बेसिकली ये है कि अगर आपके पास कोई एक स्किल है और आप किसी एक डिजिटल स्किल है आपके पास कोई भी, तो आप जो है उस स्किल को कैसे यूटिलाइज करते हैं और किस तरह आपने किन प्लेटफॉर्म्स पे जाना है और उन स्किल्स को जो है आप सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं जो है ई कॉर्ट में फाइवर पे ज्यादातर फोकस रखूंगी, फाइवर जो है कवर करूंगी, अपवर्क कवर कवर करूंगी कि किस तरह से लोग जो है अपनी प्रोफाइल्स बना सकते हैं, किस तरह से अपनी गिग रैंकिंग कर सकते हैं, गिग रैंकिंग के साथ साथ जो है उनका पूरा जो है वो सपोर्ट करूंगी अच्छा, इसके साथ इंशाल्लाह। और भी कुछ चैनल्स हैं लाइक लिंक्डइन है इंशाल्लाह, freelance.com है, guru.com है, पीपल पठार है। कोचिंग का वो क्या था जो आपने बताया था, टीचिंग से रिलेटेड कुछ जी, वो जो था? मेरे हाँ, टीचिंग से रिलेटेड भी है, तो वो तो है एकेडमिक टीचिंग के प्लेटफॉर्म्स हाँ हैं जिसपे जो है लोग जो है अपनी प्रोफाइल सेट कर सकते हैं और वहां से जो है इनकी लोगों को पता होता है लाइक इस तरह से कि उनके ये प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन उनको फिर वो बेसिक ट्रिक्स एंड वो टिप्स नहीं आते कि हमने जो है इस पे रैंक कैसे करना है, क्योंकि फाइवर का बहुत ज्यादा लोगों को पता होगा, लेकिन उन पे जो है वो अपनी प्रोफाइल को कैसे बहुत ज्यादा कॉम्पिटेटिव तो आप किस में उनको जो है बेसिकली जादू बताएंगे कि आपने जादू से कैसे रहेंगे। बिल्कुल कह सकते हैं मैम। अच्छा आप जादू कर सकती हैं इंशाल्लाह, विल ट्राई टू। अच्छा, आप हसन की तरफ जाते हैं थोड़े छुपे रुस्तम से, इनको इनके पास स्किल्स बहुत सारी हैं लेकिन ये आप खुद को शोकेस नहीं करते, तो हम इनको बार बार आपके सामने लाएंगे, आप सबने इनको जरूर हर बार देखना है। तो हसन बताएं आप कौन सी ट्रेनिंग्स देने प्रोवाइड करने जा रहे हैं, आप उसमें क्या क्या सिखाएंगे, और थोड़ा सा इंट्रो भी दीजिएगा।
हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन जुबैरी है और मैं एनिप्लस के साथ काफ़ी टाइम से बूट कैंप का स्टूडेंट भी रह चुका हूँ, अमेजोन का सेलर भी हूँ और मेरी जो ट्रेनिंग्स हैं वो मेरी शॉपिफाई है, वीडियो एडिटिंग एंड एमएस ऑफिस है। बेसिकली ये अमेजोन सेलर्स हो गए, वीएस जितने भी हो गए, उनके लिए बहुत नेसेसरी है। लाइक आप अगर कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, आपको एनालिसिस आना चाहिए जिसके लिए हम लोग एक्सेल यूज़ करेंगे, प्रॉपर प्रेजेंटेशन देनी पड़ती है। हमें फाइवर पे या कहीं पर भी क्लाइंट्स मिलते हैं तो उसके लिए पावर पॉइंट आप यूज़ कर सकते हैं। आपको वर्क को इनहेंस करना होता है उस पर, आप यहाँ तक कि आप वर्क पे अपनी वेब डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, आप अपनी वेबसाइट्स भी क्रिएट कर सकते हैं उस पर। एंड सेकेंड हमारे पास शॉपिफाई है, उस पर हम लोग बताएंगे कि हम लोग अपनी ब्रांड्स की एक्सटर्नल ट्रैफिक कैसे ड्राइव करते हैं, हम लोग ब्रांड्स को कैसे लोकल ई कॉमर्स पे लेके आते हैं। हमारे ऑलरेडी अगर ब्रांड्स है हमारे पास अमेजोन में, अमेजोन की अच्छी ब्रांड्स है, अच्छा प्रॉफिट से बन रहे, तो हम लोग शॉपिफाई यूज कर लेते हैं एक्सटर्नल ट्रैफिक के। एंड उसके बाद वीडियो एडिटिंग है, वीडियो एडिटिंग में होपफुली इंशाल्लाह मैं आप लोगों को एनिमेशन भी सिखाऊंगा, तो उसका स्कोप ऐसा है कि बहुत अच्छा, मतलब फाइवर्स पे मैं बोलूंगा डिमांड बहुत ज्यादा है, लेकिन कुछ है ही नहीं, मतलब लोग कोई एमएस ऑफिस से रिलेटेड कुछ पता ही नहीं रहे, मतलब लोगों को कुछ आता ही नहीं है और बहुत कम, मतलब आपको नहीं, कंपटीशन बहुत कम है। और बाकी आप कोई कस्टम करें? हसन आपने बहुत अच्छा बोला है, लाइक मेरा दिल चाह रहा है कि इसके बाद मैं आपकी क्लाइंट बन जाऊं। अच्छा जैसे कि चले अभी इसको खत्म करते हैं और इस तरफ जाते हैं कि जैसे है। नहीं लूडो रहती है, वेट अ सेकंड, जैसे कि आप सब मुझे जानते हैं और साकिब भवान को जानते हैं, तो थोड़ा सा आपको साकिब भवान के बारे में पता भी होगा, लाइक कि जिस वक्त हम डिस्कशन कर रहे थे तो उन्होंने अपनी सारी गिटियों को कहां से कहां पहुंचा दिया, उनके घर में पहुंचा दिया, हमारे यहाँ पे कर दिया, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है। कुछ नहीं किया, मेरी सारी घर में थी, एक जो है ना वो बाहर थी बस, बाकी सारी मेरी अंदर। मतलब आप देख सकते हैं कि ये क्या करते हैं यहाँ पर जो है, तो लेडीज को उनके हकूक नहीं दिए जाते और जुल्म होता है, ठीक है। आपकी तो तीन है, एक दो। So, आपके साथ हम रहेंगे इंशाल्लाह। सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह।